दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हो कि किस तरीके से आप अपने किसी भी सोशल मीडिया का पासवर्ड अपने गूगल पर सेव करोगे। जैसे कि मान लो कि आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आपका यूट्यूब है, जीमेल का है, जो भी चीज़ है, अगर आप उन सब चीज़ों का पासवर्ड अपने गूगल पर सेव कर रखना चाहते हो कि भविष्य में कभी भी मान लो आप इन सब पासवर्ड को भूल जाओ तो अपने गूगल अकाउंट पर यह सारा पासवर्ड आपको देखने को मिल जाए, तो बहुत ही आसानी से आप अपने इन सारे एप्लीकेशन सोशल मीडिया के पासवर्ड को अपने गूगल पर सेव कर रख सकते हो। तो दोस्तों अगर आप नहीं जानते हो तो आज ही अगर आप अपने सारे पासवर्ड को गूगल पर सेव कर लेते हैं तो भविष्य में कभी भी पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो दोस्तों वह पासवर्ड आपको गूगल पर देखने को मिल जाएगा। तो किस तरीके से सेव करना है इस वीडियो में यही बताऊँगा। इसके लिए हमारे साथ इस वीडियो के साथ बने रहना, वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, अगर आपको गूगल पर किसी भी पासवर्ड को सेव करना है उसके लिए आप लोगों को करना क्या है कि अपने फ़ोन के जीमेल पे जाना है। जीमेल एप्लीकेशन को आप लोगों को इस तरीके से क्लिक करना है। जैसे जीमेल पे क्लिक करोगे आपका फ़ोन में जो जीमेल होगा यहाँ कॉर्नर में दिख जाएगा, इस तरीके से आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके फ़ोन में जितने भी जीमेल होंगे वह सारे आ जाएंगे। जिस जीमेल पर सेव करना है आप लोगों को उस जीमेल के ऊपर में सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ मैनेज और गूगल अकाउंट का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर में क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से स्क्रोल करोगे यहाँ पर सिक्योरिटी का ऑप्शन आएगा, सिक्योरिटी पे क्लिक करना है और सबसे नीचे आपको चले जाना है। जैसे सबसे नीचे जाओगे आप लोगों को यहाँ पर पासवर्ड मैनेजर का ऑप्शन होगा, इस पासवर्ड मैनेजर पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे फ़ोन में ये सारे एप्लीकेशन का पासवर्ड यहाँ पर सेव है। अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि कोई न्यू पासवर्ड को सेव कर रखना ताकि हम भविष्य में कभी भी उस सोशल मीडिया के पासवर्ड को भूल जाएँ। तो यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर सारे का पासवर्ड सेव है हम उसको देख ले। तो न्यू पासवर्ड को सेव करने के लिए आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर आप देखोगे कि प्लस का एक आइकन बना हुआ है, इस प्लस के आइकन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस प्लस के आइकन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आता है साइड और ऐप, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप जो भी सोशल मीडिया होगा उसका नाम लिख देना है, जो भी साइड का नाम होगा आप लोगों को यहाँ पर लिख लेना है। जैसे कि मान लीजिए हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पर इंस्टाग्राम लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिख देते हैं Instagram.com, ठीक ना। आपका जो भी साइड होगा आपको इस तरीके से यहाँ पर लिख लेना है, तो मैं यहाँ पर Instagram.com लिख लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर Instagram का जो यूजर नेम होगा आप लोगों को इस तरीके से अपना यूजर नेम डाल देना है। डालने के बाद में आपका जो भी पासवर्ड होगा वह पासवर्ड को आपको इस तरीके से यहाँ पर टाइप कर देना है, ठीक ना। नोट में यहाँ पर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। उसके बाद में इस तरीके से जब पासवर्ड लिख लेंगे इस तरीके से आपको करना क्या है कि यहाँ पर आप देखोगे कॉर्नर में सेव का ऑप्शन है, ठीक ना। यहाँ पे आप लोगों को देखोगे सेव का ऑप्शन है, सेव पर क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों सेव पर क्लिक कर दोगे ना तो जो भी पासवर्ड अभी आपने सेव किया आपको इस तरीके से देखोगे कि यहाँ पर पासवर्ड होगा ना आपको यहाँ पर सेव हो जाएगा। आप उस पासवर्ड को देखने के लिए इस तरीके से आगे बढ़ोगे तो देखो इंस्टाग्राम का पासवर्ड सेव हो गया है। तीन अकाउंट यहाँ पर दिखा रहा है, दो अकाउंट मेरा पहले का था और एक मैंने अभी सेव किया। इसको देखने के लिए आप लोगों को इंस्टाग्राम पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो पहली बार अगर क्लिक करेंगे तो आपको फिंगरप्रिंट मांगेगा मोबाइल का, तो अपना मोबाइल का फिंगरप्रिंट दे देना। देने के बाद में जो भी अभी हमने अकाउंट बनाया देख सकते हैं कि यही बनाया था, उसका पासवर्ड देखने के लिए कि आँख वाला जो बटन है ना इसके ऊपर में हम जब क्लिक करेंगे तो उसका पासवर्ड देखिए इस तरीके से शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन के पासवर्ड को इस तरीके से सेव कर रख सकते हैं ताकि भविष्य में कभी भी आप भूल जाए तो गूगल अकाउंट यानी जीमेल अकाउंट पर वह पासवर्ड आपको देखने को मिल जाए। तो इस वीडियो में यही बता रहा था। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाना।